जिनपति स्वरूप गुरुवर पुनीतांत प्रज्ञा गहन तम तत्वेषु निपुणा श्रुत स्वाध्यायेन सुविदित रहस्यो विभुवर प्रशस्या शास्त्राणां सुषमतर संपादन श्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। मौसम का तो ताप है, पर ताप से एक भीतर की ज्योति प्रकट होनी चाहिए, वह कितनी है नहीं पता। भगवान महावीर आतापन लेते थे और भी श्रमण सन्यासी खड़े होकर दोनों हाथों को ऊंचा कर सूर्य के सामने आतप लेते थे, और आतप लेने से हमारे भीतर की अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा जागृत होती है। ताप सहते हैं, रास्ते में हमने भी सहा है, और लोगों का आग्रह कि दो मिनट का काम है, दो दो मिनट करें तो शायद 2 बजे ही पहुंच जाते तो बहुत बड़ी बात थी। हमारी प्रकृति है कि जहां से विहार करते हैं तो कुछ लेकर नहीं करते हैं, कभी पीते हैं तो पानी पिएंगे, अब अगले पड़ाव में जाकर ही कुछ होता है। शायद लोग प्रार्थना करने वाले तो नाश्ता करके आते हैं, उपवास करके नहीं आते हैं। ताप को सहना, भूख को सहना, प्यास को सहना, कष्ट को सहना वास्तव में बहुत लाभदायक है। आज के सुविधावादी जमाने में हर व्यक्ति इतनी सुविधा में जीवन जीना चाहता है, और वह चाहता है कि शरीर को एक खरोंच भी कहीं न आ जाए। बस यदि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षा करने का है तो शरीर है, इससे बड़ा कोई नहीं है बस। और जहाँ शरीर की इतनी सुरक्षा हो जाती है वहाँ आत्मा नीचे दब जाती है, गौण हो जाती है, फिर आत्मा की चिंता नहीं होती, या तो शरीर की चिंता या आत्मा की चिंता। शरीर की चिंता करना तो ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता, पर आत्मा की चिंता करना, उसके बाद शरीर की चिंता हो तब तो ठीक बात है, और आत्मा को भुला कर और केवल शरीर की चिंता करना, ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। जिसको लोग अनेक भाषाओं में कहते हैं कि सुविधावाद बढ़ रहा है, अमीरी बढ़ रही है, ऐशो आराम बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, सारे उसी के परिणाम है। जब जब आदमी आत्मा को भुला देता है तो सब ये सारी समस्याएं पैदा होती है। बहुत सुंदर कहा गया 10वीं कालिक सूत्र में, अप्पा खलु सायं रखी अब्बो, आत्मा की रक्षा करो। आप चाहें कि मैं बताऊं कि धन की रक्षा करो तो अच्छी बात ज्यादा लगेगी, ज्यादा प्रिय है। आत्मा उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय धन है, तो बहुत अच्छा लगेगा। पर मैं कहना चाहता हूं आत्मा की रक्षा करो। क्यों? जो व्यक्ति आत्मा की रक्षा करता है वह दुख से मुक्त होता है, जो आत्मा की रक्षा नहीं करता वह दुख को पैदा करता है। दुख का कोई कारखाना नहीं होता, सारी दुनिया में भी कहीं कोई दुख का कारखाना नहीं है,
दुख व्यक्ति स्वयं पैदा करता है और सुख भी स्वयं पैदा करता है। सुख का कारखाना भी अपने भीतर है और दुख का कारखाना भी अपने भीतर है। जो व्यक्ति आत्मा की रक्षा करता है वह सुख का सृजन करता है और दुख से मुक्त होता है। जो व्यक्ति आत्मा को भुलाकर और केवल शरीर की चिंता करता है वह उलझ जाता है और वह दुख में चला जाता है। समस्या यह है कि जो सामने होता है उसे ज़्यादा मौका मिलता है। शरीर हमारे सामने है, आत्मा सामने नहीं है। जो चलाने वाला है वह सामने नहीं है, इसीलिए थोड़ा मति भ्रम हो जाता है कि चलाने वाला अगर सामने हो तो मति भ्रम नहीं होता। वह सामने नहीं है। एक यात्री बस में चढ़ा और वह डबल डेकर बस थी, ऊपर चला गया, नीचे स्थान खाली नहीं था, ऊपर गया और दो मिनट बाद नीचे आ गया और बोला मुझे यहाँ स्थान दो। तू तो ऊपर गया था, यहाँ क्यों आया? कि ऊपर मैं नहीं चढ़ सकता। क्यों? कि वहाँ कोई ड्राइवर नहीं है, बिना ड्राइवर के मैं कहाँ से चढ़ सकता हूँ? वहाँ ड्राइवर सीधा दिखना चाहिए, नहीं तो धोखा होता है कि ड्राइवर नहीं है तो मैं कैसे रह सकता हूँ वहाँ। ड्राइवर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। समस्या हमारी यह है, मति भ्रम हो गया। जो चलाने वाला है वह दिखाई नहीं दे रहा है, जो चल रहा है वह दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने चलने वाले को ही सब कुछ मान लिया, चलाने वाले को बिल्कुल भुला दिया। हम चिंतन करें कि शांति के साथ जीना है, दुखों को कम करना है, समस्याओं को कम करना है और तनावों को कम करना है, तो फिर हमें थोड़ा गहरे में जाना होगा, सूक्ष्म में जाना होगा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी होगी। उसके बिना बात नहीं बनेगी। आज जगह जगह यह चिंतन चालू हो रहा है कि जो हमने कर रखा है, मान लिया है, वह हमें सुख नहीं दे रहा है, प्रचुर समस्याएं पैदा कर रहा है। कुछ दिनों बाद यहाँ कालबा देवी में विद्यालय में जाने के बाद एक संगोष्ठी होने वाली है विकास की अवधारणा पर। रात ही संवाद मिला कि यूनेस्को और मानव संसाधन मंत्रालय ने वहाँ एक संगोष्ठी आयोजित की है विकास की अवधारणा पर, विकास की चिंता पर, और उसमें अनेक प्रबुद्ध हिंदुस्तान के व्यक्ति आए और हमारे प्रतिनिधि के रूप में मुनि लोक प्रकाश जी को भी आमंत्रित किया गया और सारी चर्चा हुई। आदमी आज सोच रहा है कि हम जिसको समाधान मान रहे हैं वह समस्या भी पैदा कर रहा है। इसलिए ऐसे मार्ग की खोज करें जो समस्या को सुलझाए, नई समस्या पैदा न करे। बुद्धि का काम तो है ही एक समस्या को सुलझाना और दूसरी समस्या पैदा कर देना। प्रज्ञा की भूमिका पर चले जाएं तो फिर समाधान मिल सकता है। प्रज्ञा के द्वारा समस्या का समाधान होता है, नई समस्या कोई पैदा नहीं होती। बुद्धि का काम तो यही है। एक छोटी सी घटना के द्वारा हम इस सच्चाई को समझ सकते हैं। एक हाईवे राजपथ और उसके पास एक लिंक रोड थी, कच्ची रोड थोड़ी। एक आदमी आ रहा था, जैसे ही राजपथ के पास में आया और थोड़ा दलदल सा था, उसकी कार फंस गई। अकेला मालिक ही ड्राइव कर रहा था,
नीचे उतरा और निकाल नहीं सका, तो इधर उधर देखा तो पास में झोंपड़ी थी, वहाँ गया। एक हट्टा कट्ठा आदमी बैठा था, उसने कहा देखो भाई मेरी कार फंस गई है, तुम निकाल दो, मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। आया, धक्का दिया, कार निकल गई। तब वह बोला कि तुम्हें कहीं नौकरी करने जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिन में 10-15 कार्य तो आती होगी और मुफ्त में ही 10 रुपया मिल जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दिन रात में तुम्हारा धंधा चलता है बाबूजी, रात को नहीं चलता। तो रात को क्या करते हो? कह रात को तो यहाँ पानी डालता हूँ, कीचड़ बनाता हूँ। रात को तो कीचड़ बनाना, दलदल बनाना, और दिन में कारें निकालना। बुद्धि का काम ऐसा है, कार निकालती भी है और दलदल भी बनाती है, समस्या को सुलझाती भी है और समस्या पैदा भी करती है। हम बुद्धि की सीमा से परे प्रज्ञा की भूमिका पर जाएं, वहाँ सत्य का आभास हो सकता है और उसका जागरण तपस्या के बिना नहीं हो सकता। इसलिए आपको भी घबराना नहीं है, हमें सचमुच एक सीखना है। यदि आप हमसे सीखना चाहें तो पहली बात तो है कि कष्ट सहन करना सीखे, सुविधावादी न बने, बड़ा आदमी न बने, कभी भी न बने। मुझे परिचय देते हैं लोग, ये बहुत बड़ा आदमी है, मैं सुन तो लेता हूँ, कुछ भी नहीं कहता, प्रतिक्रिया भी नहीं करता, पर मैं किसी को बड़ा मानता नहीं हूँ, अहंकार नहीं है, पर बड़ा मानता नहीं। समस्या ये किसको मानूं? एक आदमी आता है परिचय देता है, बहुत बड़ा आदमी है, थोड़ी देर बाद दूसरा आता है कहते ये बहुत बड़ा आदमी है, तो हजारों लोग हमारे सामने बड़े बड़े आगे, अब मेरे लिए निर्णय करना कठिन है कि मैं किसको बड़ा आदमी मानूं, बहुत समस्या हो जाती है। वास्तव में मेरी दृष्टि में और भगवान महावीर की दृष्टि या हमारे योगियों ऋषियों की दृष्टि में, सब दृष्टियों में देखें तो बड़ा आदमी वह है जिसके पीछे कोई विशेषण नहीं लगा, उपाधि नहीं लगी, बड़ा कहने की जरूरत नहीं, बस आत्मा निर्विशेषण, उसको हम बड़ा आदमी कह सकते हैं, जिसके पीछे कोई विशेषण नहीं है, वह बड़ा हो सकता है। हमारी भाषा में अन्यथा बड़ा छोटा होता ही नहीं है। अणोरणीयान महतो महीयान, उपनिषद का एक सुंदर वाक्य है, अणोरणीयान, अणु से भी अणु और महान से भी महान, एक ही होता है, दो नहीं। आत्मा चाहे कहो परमात्मा, उसकी पहचान क्या है? अणु से भी तो अणु है और महान से भी महान है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए हम बड़ा आदमी धन के द्वारा, सत्ता के द्वारा, पदार्थ के द्वारा बनने की दिशा में प्रस्थान न करें, किंतु हम त्याग, संयम, व्रत इस दिशा में प्रस्थान करें तो स्वतः आपका बड़प्पन प्रकट होगा। अनैश्वर्यमीश्वरम, ऐसा ऐश्वर्य बिना धन के ऐश्वर्य। कणाद, महर्षि कणाद बड़े साधक थे, उनका व्रत था कि जो कन थे चुक चुक कर और खा लेना, अपना जीवन चलाना। एक दिन एक आदमी गया राजा के पास, जाकर बोला कि महाराज आपके नगर में कोई एक ऐसा भिक्षुक है जो दाने चुक चुक कर खा रहा है, आप उसकी गरीबी को दूर क्यों नहीं करते हैं? राजा गया और महर्षि को देखा, अभिभूत हो गया उनके तप तेज को देखकर, कि भिखारी तो नहीं है। तो बोले महाराज मैंने सुना है कि आप भिक्षुक हैं, भिखारी हैं और दाने बिन बिन कर खाते हैं, तो हाँ खाता हूँ, भिखारी तो नहीं।
फिर पता चला ये तपस्वी तो ऐसा है कि इसके पास स्वर्ण सिद्धि है, सोना सिद्ध कर सकता है, सोना बना सकता है। बस यह पता चला तो राजा बोला कृपा करें महाराज और वह सिद्ध विद्या मुझे भी आप सिखा दें, सोना बनाने की विद्या। महर्षि बोले अभी तो तू कह रहा था भिखारी, बोल भिखारी तू है कि मैं हूँ, कौन है भिखारी? जब शक्ति संपन्न होता है, भीतर की शक्तियाँ जागती है, कोई भिखारी नहीं होता। वह नहीं जागती है तब तक हर आदमी हाथ पसारे रहता है कि दो दो दो। इतने लोग बम्बई में आने के बाद इन दो महीनों में, डेढ़ महीने में आते हैं और आशीर्वाद। मैंने तो कई बार यह भी सुना, क्या बोलते हैं गुरु जी अंतरनाद, गुरु जी हमारा अंतरनाद, हमें आपो आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद मुफ्त में ही लेना चाहते हो? अंतरनाद कहाँ है? अंतरनाद हो तब तो आशीर्वाद मिल जाएगा। अभी तो बाहर का नाद भी पूरा नहीं हो रहा है, अंतर का नाद कहाँ दूर पर पड़ा है। अंतर की आवाज सुनने की बात तो दूर है, बाहर का भी अभी नाद नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग चिंतन करें, नई दिशा में प्रस्थान करें, दिशा को बदलें। जो दिशा चल रही है उस प्रवाह में चल रहे हैं अच्छा नहीं है, दिशा को बदलना है। तो हम लोग आए हैं दिशा का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, आदमी बदले। बस हमारा एक ही कार्य है मुख्यतः, आदमी बदले। कोरा कपड़ा नहीं, कोरी चमड़ी भी नहीं, चमड़ी भी बदलती है, आदमी बदले, आदमी की चेतना बदले, चेतना का रूपांतरण हो। बस इस बात को आप समझने का प्रयत्न करें तो शायद हमारे साथ आने का, सुनने का आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बदलने की भावना नहीं है, उतना ही तो गुस्सा रखना है, उतना ही अहंकार, उतना ही संग्रह, उतना ही लोभ, सबको बनाए रखना है। तो फिर आना भी एक उपचार बन गया, कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप चिंतन करें, आपने भी धूप को सहर, हम भी सह रहे हैं, आपने अब भी सह रहे हैं, ताप को सह रहे हैं, इसलिए अब ज़्यादा ताप में रहना ठीक है, बहुत सह लिया, निर्जरा की है और भी निर्जरा हो। पर एक लक्ष्य बनाएं कि मैं 10 वर्ष का था वैसा 20 वर्ष में नहीं रहा, 20 वर्ष में था वैसा 30 वर्ष में नहीं रहा, जैसा 30 में था 40 में नहीं रहा, और 80 वर्ष का आदमी कहेगा मैं 70 में था वैसा नहीं रहा। बाहर में तो नहीं रहा पर भीतर में कुछ बदला या नहीं बदला? अगर बदल गया तो बहुत अच्छी बात, साधु बात, और नहीं बदला तो चिंतन करें कि अब भी बदलना है। पाछल खेती नीप जाए तो ही दालिदर जाए, राजस्थान की कहावत है कि बाद की खेती हो जाती है, बरसा देरी से होती है, बाद में हो तो भी दारी चला जाता है। अब भी चिंतन करें कि बदलना है, बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने अहंकार को बदलना है, अपने बड़प्पन की ये जो भूख है उसको बदलना है, इन सब को बदलना है। ये बदलने की, परिवर्तन की भावना आपके भीतर जागे, बस इतना सा हमारा उद्देश्य है, परिवर्तन की जिज्ञासा और भावना आपके भीतर जाग जाए। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।